हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सो लेट स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख एंड बुद्धिस्ट एंड जैन। आज हम बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी उनकी पूजाओं की जगहों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस जगह पर जाके पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। हम इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिंदू होते हैं वो टेंपल में जाते हैं और पूजा करते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क्यू यानी मस्जिद में जाते हैं और नमाज अदा करते हैं, एंड क्रिश्चियंस जो हैं वो चर्च में जाके क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, सर्विस करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग सिख के जो हैं उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी उनकी जो प्लेस है गुरुद्वारा है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। द सिख गो टू गुरुद्वारा। जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर हॉली बुक। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये उनकी जो हॉली बुक है, किताब है, उनकी पवित्र पुस्तक, उसका नाम है। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर हॉली बुक, वो उनकी हॉली बुक है। इट इज़ ऑलवेज कीप्ड इन एवरी गुरुद्वारा। जो हर एक गुरुद्वारे में होती है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो हर गुरुद्वारे में हमेशा रहती है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो हर गुरुद्वारे में रखी होती है, हमेशा उपलब्ध रहती है। ग्रंथी रेसिस्ट द गुरुबानी। और जो ग्रंथी होते हैं वो गुरुबानी का पाठ करते हैं, यानी ग्रंथी कौन होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को जोर के अंदर जो कुछ भी अच्छी बातें लिखी उसको जोर जोर से पढ़ के सुनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है गुरुद्वारे में, उसे कहा जाता है ग्रंथी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गुरुबानी का जो है पाठ करते हैं। विच आर लेसन रिटन इन गुरु ग्रंथ साहिब। जो पाठ काय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है उसका वो उस पाठ को पढ़ते हैं। गुरुबानी क्या होती है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए पाठ को गुरुबानी कहते हैं, और इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ग्रंथी कहते हैं। ये याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी पुस्तक है, जो बुक है, उसके अंदर जो पाठ लिखे हुए होते हैं, जो पाठ उसमें लिखे हुए होते हैं उसे गुरुबानी कहते हैं, और इन पाठ को पढ़ने वाला जो इंसान होता है उसे ग्रंथी कहते हैं। पीपल हैव फेथ एंड रेस्पेक्ट टूवर्ड द हॉली बुक। जो लोग हैं वो इसका सम्मान करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। द जैन एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो गो टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और जो जैन और बुद्धिस्ट होते हैं यानी जैन धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपने कहाँ जाते हैं, अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अपने पूजाओं की जगह पर जाते हैं और पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वी प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़। हम जो हैं क्या करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फॉर हैप्पीनेस, खुशियों के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए। क्या करते हैं हम लोग, भगवान से प्रार्थना करते हैं फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़। वी प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सफलता और समृद्धि, हमारे जीवन में खुशियां आए, सफलता और समृद्धि आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जो जैन और बुद्धिस्ट होते हैं वो अब उनका जो वो भी कहाँ जाते हैं, मंदिर में ही जाते हैं। और जो बुद्धिस्ट के मंदिर होते हैं उनको स्तूपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्तूप बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्तूप बोला जाता है। जैन और बुद्धिस्ट भी कहाँ जाते हैं, प्रेयर के लिए टेम्पल्स में ही जाते हैं, बट बुद्धिस्ट के टेम्पल को स्तूप कहा जाता है। ओके,
और हम गॉड से प्रे क्यों करते हैं? फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशियों के लिए, और प्रॉस्पेरिटी सफलता और समृद्धि के लिए। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, हम भगवान को थैंक यू कहते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दी है, हर चीज़ के लिए, चाहे हमारी लाइफ है, चाहे हमारे पेरेंट्स, जो भी खुशियाँ, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, हवा, पानी, खाना, घर, फैमिली, उन सब के लिए हम क्या करते हैं? गॉड को थैंक यू करते हैं। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। द वर्शिप ऑफ गॉड कीप एवरीबडी हैप्पी। और जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो इससे क्या होता है? हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो है वो खुश रहता है। जो प्रार्थना होती है ईश्वर की, वो क्या करती है? सबको खुशियाँ देती है। द वर्शिप ऑफ गॉड कीप एवरीबडी हैप्पी। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। हमें सभी रिलीजियस, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट लव एंड हेल्प अदर। और हमें दूसरों से प्रेम, प्यार करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट, जैन, चाहे कोई भी रिलीजन के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सबको प्यार से, सबके साथ हमें कैसा रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और चाहे हमारे प्रेयर के, पूजा के, वर्शिप के प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, बट हम फीलिंग क्या होती है सारे रिलीजन की? एक ही होती है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबके साथ प्यार से रहो और सबको खुशियाँ दो। तो चाहे हम अलग अलग जगहों पे जाके पूजा करें, प्रार्थना करें, पर हमें हर रिलीजन, हर धर्म क्या सिखाता है? एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। तो स्टूडेंट, आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग सब अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।